फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सब्सक्राइब योर चैनल, लाइक एंड कमेंट्स। आज का ऑटोकैड का हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जो हम एक 2D प्लान को डिज़ाइन कर रहे थे उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो आइए चलते हैं, ऑटोकैड को ओपन करते हैं। ये हमारे पास ऑटोकैड ओपन हो गया। ये प्लान तकरीबन हमने यहाँ तक ड्रॉ की थी। इसमें नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो है, नेक्स्ट स्टेप हम इसमें डोर क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट जो है हम इसमें विंडोज क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टेक्स्ट कमांड एंड डायमेंशन कमांड अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें हम विंडोज क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास ये ओपन स्पेस है, मैं इसको रेड लाइन से मार्क कर लेता हूँ, एल इंटर, ठीक है, एल इंटर। ड्राइंग में ओपन एरिया को इस तरह से शो कर लिया जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक विंडो क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कमांड लूंगा एल इंटर, मैं इसी कॉर्नर से ही विंडोज क्रिएट कर लेना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा से वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कलर, मुख्तलिफ कलर आप लाइंस को दे सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद आ जाए। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मेरे पास ये विंडो हो। DI डायमेंशन आप देख ले, DI मैंने प्रेस कर लिया, तो हमारे पास 4.5 फिट की तकरीबन विंडोज बन रही है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब दोबारा मैं इसमें ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट 3 इंचेस, तो पर एंटर, ठीक है। स्केप कमांड को हमेशा आप याद रखें, जो भी कमांड आप मतलब रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्केप कमांड प्रेस कर लिया करें, ठीक है। अब ये लाइंस है, एक्स्ट्रा लाइंस को मैं रिमूव कर लेना चाहता हूँ, TR डबल एंटर, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ये एक्स्ट्रा लाइन रिमूव कर ली, ठीक है। दोबारा इसके, ठीक है। तो ये एक विंडो की सिंबल इस तरह हमारे पास ऑटोकैड में शो होती है, ठीक। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक डोर क्रिएट कर लाना चाहता, क्योंकि ये ओपन जो एरिया है इसके लिए हमारे पास एक पैसेज होना चाहिए। अगर पास टाइम हम इसमें मतलब ओपन एरिया में जाना चाहते हैं, पाइपलाइंस वगैरह यहाँ पर हमारी होगी, तो यहाँ इस रूम से इसके लिए मैं एक पैसेज वे क्रिएट कर लेना चाहता हूँ, ठीक है। ऑफसेट 6 इंचेस, इस लाइन का मैंने ऑफसेट ले लिया, EX डबल एंटर, इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। ये जो लाइंस है इसको मैंने रिमूव कर लिया, ठीक है। अब इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ 3 फिट, ठीक है, 3 फिट मैंने इसका ऑफसेट ले लिया, TR डबल एंटर, ठीक है, मैंने इसको ये रिमूव कर। आप ऑटोकैड में डोर की सिंबल को इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। नेक्स्ट इस रूम के लिए विंडो क्रिएट कर लेना चाहते हैं, एल एंटर। ये आप देख रहे हो, ये सेंटर पॉइंट आपको ये शो कर रहा है, ऑफसेट 2.5 फीट। इसका मैंने इस साइड पे भी ऑफसेट ले लिया, इस साइड पे भी ऑफसेट ले, इस लाइन को मैंने रिमूव कर लिया, ऑफसेट 3 इंचेस, इस लाइन का मैंने 3 इंचेस पर ऑफसेट ले लिया, ठीक है। दोबारा इसको TR डबल एंटर के साथ ये एक्स्ट्रा लाइन मैंने रिमूव कर ली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, जो ये स्पेस मतलब किचन की है, यहाँ पर भी एक विंडोज क्रिएट कर लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक मैं एक विंडोज क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पर एल इंटर, ये सेंटर पॉइंट शो हो गया, ऑफसेट 2 फीट, छोटा सा विंडो यहाँ पर क्रिएट कर लेना चाहिए, ये इंटर, इसको रिमूव कर ले, ऑफसेट 3 इंचेस, इस लाइन की मैंने ऑफसेट ले ली 2 टाइम्स, ठीक है। तो अब दोबारा से इस कमांड को, ये एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव करें, TR डबल एंटर, इसको भी मैंने क्लिक करें, इसको फिर इसको क्लिक करें, फिर इसको स्केप, ठीक है।
ये विंडोज भी क्रिएट होगी। नेक्स्ट विंडो ये जो हमारे पास ये गेस्ट रूम है, इसके लिए मैं एक्सटर्नल साइट पे यहाँ पर एक विंडो क्रिएट कर लेना चाहता हूँ। एल इंटर मिड पॉइंट ऑफसेट 3 फिट, ऑफसेट 3 फिट इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इंटर ऑफसेट 3 इंचेस, ठीक है सर आपने ऑफसेट ले लिया, ठीक है। टी आर डबल इंटर, इस लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस लाइन को मैं सेलेक्ट किया, इस लाइन, ठीक। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी विंडोज क्रिएट होगी, ठीक है। हमें एक विंडो मतलब ये हॉल हमारे पास ओपन होगा। ये जो स्टेयर है ये तकरीबन स्टेयर के नीचे होगा ये विंडो। एल इंटर यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ऑफसेट 2 फिट, एक छोटी सी विंडोज यहाँ पर भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ऑफसेट 3 इंचेस का ऑफसेट ले लिया हमने, दूसरे का ऑफसेट ले लिया। टी आर डबल इंटर, स्लाइन को क्लिक करें, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, ये आपके पास खुद ब खुद रिमूव हो जाए, ठीक है। ये भी हमारे पास विंडोज क्रिएट हो गए, ठीक है। तकरीबन जो क्रिएशन का पार्ट था वो हमारा हो गया। नेक्स्ट जो काम है हम इसमें डाइमेंशनिंग करते हैं, ठीक है। एक कमांड हम डाइमेंशनिंग होता है और नेक्स्ट लास्ट कमांड जो इसके लिए यूज हम करेंगे वो है टेक्स्ट। चलो हम पहले इसके लिए टेक्स्ट कमांड यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह डाइमेंशन कमांड से अप्लाई करें। टी एंटर, ठीक है, टेक्स्ट के लिए टी एंटर प्रेस करने के बाद ये माउस का जो एरिया है ये देख लोगे, मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ लेके आए मैं इस एरिया में, मतलब ठीक है, ये देख रहे हैं ये टेक्स्ट का ये, ठीक है। अब जितनी हाइट में आप मतलब टेक्स्ट करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे इसको दे दी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बोल्ड हो, मैं इसको कलर देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता कर लिया कैपिटल लेटर के लिए, मैं इसमें लिख लेता हूँ बेड रूम, ओके बेडरूम लिख एरिया में, जो आपके पास एम्प्टी एरिया हो ना उसमें आपने ये प्रेस कर लेने माउस, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि बेडरूम के साथ इस रूम का साइज भी नजर आ जाए तो यहाँ करें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लेंथ देख ले, ये 13.3 इंचेस है, और ये भी देख ले डी आई इंटर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस 13 है, ठीक है। तो जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी पर क्लिक करें, ठीक है, और दोबारा से इसमें आप डायमेंशन मतलब इसकी साइज के साथ पुट कर ले, ठीक है। ये देख रहे हो मैंने इस पर क्लिक कर लिया तो ये टेक्स्ट ओपन हो गया। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये निशा इस तरह की लेंथ जो हमारे पास है 13 फिट 3 इंचेस है, ठीक है, इनटू 13 फिट स्पेस पे क्लिक करें तो ये आपके पास ये शो हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह इसी को भी इस रूम के लिए भी अप्लाई कर ले। आसानी यही रहेगी कि आप इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ पर भी लेके आ जाए, ठीक है। अब इसका साइज देख ले, अगर सेम हो तो ठीक है, अगर सेम ना हो तो ये साइज आप चेंज कर लिए 13 फिट हो। अब इस साइज का देख ले आप डी आई इंटर कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर, तो ये 12.6 है। दोबारा इसी पर आप क्लिक करें, इसको आप चेंज कर लें, ये 12 हो गया, 12 हो गया और ये 6 है, 12 फिट एंड, ठीक है। तो ये आपके पास टेक्स्ट कमांड इस तरह की अप्लाई होगी। तकरीबन हमारी वीडियोस जो है वो लंबी होती जा रही है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होगा। ओके अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।